नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं मुद्दा आज का। और आज का हमारा मुद्दा है एमवी एक्ट यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट। आपको बता दें कि हमारे देश में 1 सितंबर 2019 से नए एमवी एक्ट को लागू कर दिया गया है और तभी से जो वाहनों पर जुर्माने की जो राशि है वो कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब इस पर सरकार की दलील ये है कि इससे जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें कमी आएगी। लेकिन अब देखना यह बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में सड़क दुर्घटना में कमी आती है या फिर ये एक बार फिर से मोदी सरकार के द्वारा एक ट्रायल रहता है जिसमें जनता एक बार फिर से पीस रही है। तो चलिए इसी मुद्दे के साथ हम अपने इस डिबेट की शुरुआत करते हैं और हम रूबरू करवाते हैं आपको हमारे आज के मेहमानों से जो कि आज इस डिबेट में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर उदय शंकर पांडे जो कि राजनीति विश्लेषक है, पंकज कुमार भाजपा नेता और इरशाद जी समाज सेवी। तो पंकज जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या वाकई में ये जो एमवी एक्ट लाया गया है वो सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए है या फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए? ऐसा है, ये लाया तो गया है दुर्घटना रोकने के लिए ही। भले ही लोगों को लग रहा है कि गलत है, आज वसूली हो रही है, फाइन पुटअप हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि इसमें जनता त्रस्त हो रही है, पिस रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसी भी नए नियम को लाने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ता है। आज वही कठोर कदम उठाया गया है। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो ये पहल है, ये पूरे देश में बहुत तरीके से चल रहा है और इसका एक ही मात्र लक्ष्य है, किसी तरीके से सड़क दुर्घटना को रोका जाए, लोग कानून के अंदर में आए, कानून की बात को समझें। इरशाद जी, क्या वाकई लग रहा है क्या कि लोगों को कानून समझाने के लिए ये एक्ट लाया गया है? लोग तो परेशान हैं, लोग परेशानियों से त्रस्त हैं। ठीक है, अगर आप दुर्घटना को रोकना चाहते हैं तो क्या सरकार को सड़क पर जो बड़ी बड़ी गड्ढे हैं वो नहीं दिखाई देती है? जो सड़क पर, खास करके अगर हम राजधानी पटना की बात करें, तो जो मेन रोड पर बने हुए चैम्बर से जो खुले हुए हैं उस पे आए दिन बच्चे से लेकर के बड़ों तक उसमें गिर करके दुर्घटना का शिकार होते हैं, क्या सरकार को वो नहीं दिखती क्या? अभी हमारे मित्र ने कहा कि ये बहुत अच्छा पहल है, लेकिन शायद ये विजय रूपानी से बात नहीं किए होंगे या देवेंद्र फडणवीस से नहीं किए होंगे, जो महाराष्ट्र में वहाँ पूरा जुलूस लेकर निकले हुए कि इसको रिमूव करो, इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कहने का मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते, रात को 12 बजे आके बोलते हैं कल से नोट बंद है, कोई भी काम करते हैं एकदम सडनली करते हैं ताकि पूरा देश शॉक हो जाता है। दूसरा जी, नोटबंदी में तो समय दिया गया था ना फिर भी जनता को, यहाँ पर तो कोई समय नहीं दिया गया है। नोट बंद करने के बाद समय दिया गया, पहले तो बंद कर दिया गया। लेकिन तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो शॉकिंग लीडर है, एकदम शॉक देते हैं कि पूरी जनता सदमे में चली जाए और जैसे ही उससे उबरने लगते फिर दूसरा सदमा देते हैं। यही होता आ रहा है। आज देश में जिस तरह से मंदी की मार झेल रहा है, सारा सेक्टर बंद के कगार पर है, सारे सेक्टर का पूरा, मैं बायोडाटा कहूं तो मैं पढ़ देता हूं लेकिन समय लग जाएगा, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जो 35% या 40% के घाटे पे नहीं जा रही है, वो सारा सेक्टर से लोगों को निकाला जा रहा है, नौकरी जो कर रहे थे 20-20 साल से उनको खत्म किया जा रहा है। तो सरकार की किरकिरी अब जोरों पर होने लगी थी जब से सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया कि सही से अगर आकलन निकालो तो वो 2% GDP होगा, 5% भी नहीं होगा, ये झूठ बोलते हैं। उसके बाद में नितिन गडकरी जी का बयान आ गया कि जिस जिस काम को नरेंद्र मोदी करते हैं उसका सत्यानाश होना तय है। तो जब इनको लगा कि हमारे पार्टी के नेता ही हमारे ऊपर बरसने लगे तो बोले चलो मोटर व्हीकल एक्ट, पूरे देश को उलझा करके रख दिया। अच्छा, ये पैनिक करने की क्या जरूरत है? आप कानून लाए हैं कि पूरे देश को डरा रहे, दहशत में ला दिया है। अभी देखा आपने यहाँ पर अपने एग्जीबिशन रोड के अंदर में 11 बच्चों को अरेस्ट किया गया, 250 लोगों को नामजद किया गया है। क्या करना क्या चाहते हैं आप? पूरे देश को दहशत में ला देंगे? आप कानून बना रहे हैं कि देश को डरा रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया एमवी एक्ट पर जल्दी से। देखिए प्रीति जी, आज अभी जो इरशाद भाई बोले, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा कर्ण तृप्ति कर लें कि नियम हो मोटर वाहन या मानव सुधार का, लोग नियमों से बंधना नहीं चाहता। जब घटना घटती है लोगों के बीच तो वह संभलना नहीं चाहता।
अगर सूरज में तप जलन नहीं होता तो इसे भी मानव वर्म बल्ब बना लेता। जब जहां ठंडक लगती तो सूरज को अपने कमरे में लटका लेता। चांद की शीतलता का तो बात मत कहो यारो, इसे तो एसी के तरह अपने घर में लटका लेता। प्रीति जी, ऐसा है कि मानव हमेशा विलासिता खोजता है और चाहता है कि हम स्वतंत्र विचरण करें, जिसमें जब घटना घट जाती है, किसी तरह के दुर्घटना घट जाती है, वो उनके साथ हो या समाज के साथ हो या परिवार के साथ हो, तब लोग सरकार को घेरना शुरू कर देता है। नियम नियम होता है। आज आग को जलाना नियम काम है, अगर आप उसको आई लव यू करके भी छोइए तो जलाने का काम करेंगे। तो ये जो नियम है मानव सुरक्षा के लिए लाया गया है, इरशाद जी को जानना चाहिए क्या रियली में ये मानव सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जो जुर्माने की राशि है वो तो कई गुना ज्यादा बढ़ाई गई है। और यहाँ पर अगर हम बिहार, अपने बिहार की बात करें, तो यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे है जो 5,000 रुपए महीने कमाते हैं, तो वैसे लोग ऐसे जुर्माना कहां से देंगे। अब ये कहते हैं कि ठीक है, लोगों की सुरक्षा के लिए लाया गया है, तो लोगों के पास जुर्माना देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। कई लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट हैंड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सेकंड हैंड लेते हैं, तो उनके पास सारे कागजात नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे इसमें। इनके सवाल का जवाब तो आपने दे दिया मैडम, यही मैं भी कहना चाहता हूँ। पहले आप 10,000 की नौकरी तो दे दीजिए लोगों को, 10,000 की नौकरी दे दीजिए, फिर उनसे 5,000 जुर्माना लीजिए, तो समझ में आता है आप तो नौकरी दे नहीं सके। जो नौकरी कर रहे थे उनको भी निकाल दिए, एक गुना को बढ़ा के 10 गुना, ये हिटलरशाही नीति नहीं है तो क्या हुआ। फिर आप एक चीज बता दीजिए, आप पंकज जी से भी मैं पूछ रहा हूँ और उदय शंकर जी से भी पूछ रहा हूँ, आप एक बात बता दीजिए, फिर मुगलों में अंग्रेजों में क्या फर्क है। अंग्रेजों ने भी लगान लागू किया था, मुगलों ने जजिया कर लागू किया था, आप भी कर ले रहे हैं, खून को चूस रहे हैं। का मोटरसाइकिल आप 60,000 का और लाख का, आज एक बच्चा है 2.5 लाख का मोटरसाइकिल चला रहा है, उसको क्या है कि उस तरह का उम्र भी नहीं है, गार्जियन उसे मोटरसाइकिल दे देते हैं, दुर्घटना से ग्रसित हो जाता है, तो 2.5 लाख का आप मोटरसाइकिल बच्चों को दे रहे हैं, और आप 500-600 का हेलमेट नहीं दे सकते हैं, आप उसकी सुरक्षा के लिए कागजात नहीं दे सकते हैं। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ प्रीति जी, जैसा बताया ना कि सड़क पे गड्ढे है, सड़क पर ये है, जरा याद कर लीजिए, आज के ज्यादा नहीं 15 से 20 साल पहले बिहार की कोई ऐसी सड़कें नहीं थी जहाँ की 100 किलोमीटर की दूरी करने में 8 घंटा और 10 घंटा नहीं लगता था। आज 100 किलोमीटर की दूरी आप 2 घंटे और 2.25 घंटे में तय कर रहे हैं, वो बंद किया गया। आज अब सड़कों पे कह रहे गड्ढे हैं, वो प्रोग्रेस का काम चल रहा है, वो कार्य पूरी बात होगी। अब रही बात प्रीति जी, रही बात ये की आपने जो बोल रहा है कि सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल ले लिया, आप आज याद देख लीजिए आंकड़ा उठा करके, कितने घरों का बच्चा अभी ठीक से जवान भी नहीं हुआ था और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया, उसका घर उजड़ गया, उसकी माँ की गोद सुनी हो गई। आज उस पर यदि पहल किया गया है तो ऐसे तो कानून था ही, ऐसा नहीं कानून की पहली गया पेनाल्टी को डबल किया गया, 4 गुना किया गया 10 गुना किया गया, वो बात अलग है, ठीक है। आप जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो ये तो पहले से बच्चों के लिए कानून बनाई गई थी, लेकिन उस टाइम उस समय जो हमारे ये वाहन वाले प्रशासन थे वो कहां थे, जो चेक नहीं कर रहे थे, कैसे वो बच्चा गाड़ी चला लिया और उस रोड से गुजर गया और किसी को भी कानों कान ये बात की खबर नहीं हुई कि एक बच्चा है जो इतने स्पीड के साथ जा रहा है रोड पर। वही फर्क था ना, उसका कठोर कदम उठाया गया था, उसे पेनाल्टी कम था, लोग मिलते थे देकर चले जाते थे, आज पेनाल्टी ज्यादा हो गया, हर घरों के गार्जियन अवेयर हो गए, वो सुधर गए, बच्चों को मना करने लगे, वो बच्चों को मना करते हैं कि आपके आपका उम्र अभी नहीं हुआ है, आपका लाइसेंस नहीं बना है, ये गाड़ी आप नहीं चला सकते हो, आपके फाइन पुट अप होगा। उनके मन में एक भय आ गया, जैसा कि बताया हमारे भाई साहब, ये मोदी सरकार जो कह रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे, तानाशाही नहीं कर रहे हैं, ये कोई शॉकिंग प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक कठोर कदम उठाने वाले और निश्चित कदम को चलने वाले व्यक्ति हैं। और जहां तक बात है कि कहा जा रहा है ये क्या पेनल्टी जो ट्रिपल टाइम या 4 टाइम सब जो कह रहे हैं कि हो रहा है, यदि ये नहीं किया जाए तो लोगों में एक भय नहीं आएगा कि हम अपने बच्चों को सड़क पर नहीं भेजें। आज हमारा बच्चा का उम्र 18 साल हुआ भी नहीं है, उसको बाइक दे दिए हैं, वो बाइकर्स जो है के रूप गैंग में बना करके लहरिया बाइक चल रहा है, मेरे सामने, मेरे नजर के सामने एक घर का तीन बेटा और रोड एक्सीडेंट डेथ किया था पिछले 2 साल पहले बाईपास पे, राजेंद्रनगर का बच्चा था, उनके तीनों का घर सुना हो गया, क्यों भाई, क्योंकि टीनेजर बच्चा था, बाइक चला रहा था, 80 प्लस स्पीड में था, गलती पेरेंट्स की भी तो थी ना, कैसे दे देते हैं अब बच्चों को। क्या लगता है कि अब एक्सीडेंट नहीं होगा, कम होगा,
मोदी सरकार ने सोचा है वैसा ही हो। अच्छा दूसरी चीज और हम बताना चाहेंगे, मैं आपके बयान बता रहा हूँ कि गया में यातायात का पालन करने के लिए जैसे पटना में लोग वसूली कर रहे हैं, सरकार का यह भी सख्त निर्देश है कि आप वसूली करें जरूर, लेकिन जहां पर देखे सुधारने की बात हो, जैसे गया का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, गया में एसपी साहब ने जितनी बाइक बिना हेलमेट वाले थे सबों को एक जगह इकट्ठा किया, सबों का चाबी ले लिया, सबों को बोले कि जाओ आप अपने घर से या खुद बाइक खरीद लो, आके बाइक ले जाओ बाइक, मैं आपको पेनाल्टी नहीं कर रहा हूँ। सुधरने का ही मौका दिया गया कि ताकि वो हेलमेट पहन ये मौका चले। सरकार ने क्यों नहीं दिया है? कौन सा मौका? ये तो दिया मौका सरकार ने दिया होता कि चलिए आज हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आप उसको बनवा ले, क्योंकि अगले 15 दिनों में ये होने वाला है। तो जरूरी है कानून किसके लिए बना रहे हैं, अपने देशवासियों के लिए या विदेशियों के लिए? अपने घर के लिए कानून बनता है, काम करना पड़ता है। अपने घर के लिए भी कानून, अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो घर के लोगों को बताना पड़ता है आपको, जब नए मानते तब आप सख्त होते हैं। भाई साहब सुन लीजिए, कहां बताना पड़ता है? सुन लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल नहीं दीजिए, एग्जांपल देता हूं। आप एकदम गलत डिबेट कर रहे हैं हमारे साथ में। आप 100 रुपया के पेनाल्टी को 1000 कर दिया गया है माननीय, और ये 1000 रुपया वो दे रहा है जो गरीब है। अमीरों को कमी नहीं है कागज और पत्थर की और हेलमेट की, वो ज्यादा से ज्यादा हेलमेट नहीं पहनते अमीरों के बच्चे, उनके गाड़ियों में सारे कागज होते हैं क्योंकि उनकी गाड़ियां नहीं होती है। ये गरीब जो सेकेंड हैंड गाड़ियां लेकर के सड़कों पर उतरता है, जिसके पास इंश्योरेंस कराने का पैसा नहीं होता है, ये चार्ज उस पर है। इसलिए मैं बार बार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है। आज तक इसने गरीबों का कोई भला नहीं किया, रोकते रहिएगा आपका टाइम आएगा तो, कोई भला नहीं किया सेवाएं अमीरों को फायदा पहुंचाने के, किसी गरीब का कोई काम नहीं किया इसने आज तक 6 सालों के अंदर में, और आने वाले समय में भी देखिएगा इसी तरह त्रस्तता से पूरा भारत गुजरेगा, और ये सरप्राइज पे सरप्राइज देते रहेंगे। चलिए ठीक है, एक सरप्राइज बाद दूसरा चल। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब उदय जी को भी देते हैं। उदय जी, इस कठोर कदम से किसके अच्छे दिन आए, सरकार के, पब्लिक के या फिर पुलिस वाले के? देखिए प्रीति जी, जो इरशाद भाई या हमारे पंकज भाई बोल रहे हैं, नियम जो है दो चीज से पालन करवाया जाता है, डर और लज्जा। जिस व्यक्ति में डर हो और लज्जा हो तो वो नियम बांध होता है, अनुशासित होता है। अगर वो डर और लज्जा, आज जैसे देख लीजिए कि अनुशासन विहीन हो गया, डर खत्म हो गया, लज्जा खत्म हो गया, वो क्या होता है कि माता पिता किसी को इज्जत भी नहीं दे पाता है। तो यहाँ जो नियम अगर पालन करवाने के लिए जो पेनाल्टी बताया गया कि आज 100 के जगह 1000 कर दिया जाएगा, अरे 1 लाख कर दिया जाएगा, ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं। हाँ, इसमें हम जरूर इतना कहेंगे इसमें कि हम एक विश्लेषक के रूप में कि इसमें प्रशासक जो हैं, सैनिक लोग भी जो हैं, आम जनता को भी सपोर्ट करें, उनसे क्या करें कि गलत इसके नाम से गलत पैसा वसूली नहीं करें, ऐसा भी कहीं कहीं सुना गया है। ये यही हो रहा है सर, सुना नहीं गया, यही हो रहा है, उसी नहीं है। इसमें क्या है कि आत्मीयता, अपने आप में आत्मीयता जगाने की जरूरत है, इंसानियत जगाने की जरूरत है, और सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं कि सब वसूली करते हैं। इसको चाहिए था कि ठीक है, यहां तक ये नियम ठीक है, यहां चाहिए था कि मान लिया कि हेलमेट फाइन हो गया तो चलिए उस पैसे से हेलमेट खरीद दिया जाता और हेलमेट दे दिया जाता। जी जी बिल्कुल, खरीदो जी, मैं आपके साथ, जवाब दीजिए, अगर मैं आपके साथ, मैं वही बोलना चाह रहा हूं, मैं आपके साथ, नहीं इंश्योरेंस नहीं है, हाँ, इंश्योरेंस करवा, ऑन स्पॉट वहीं पर करवा दो, ये करवा दिया जाता, हाँ, जी, ये जो है ये होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। चलिए पंकज जी से जवाब ले लेते हैं, पंकज जी से जवाब ले लेते हैं, जैसा बताए ना पांडे साहब इतना बता रहे हैं, बिल्कुल वही काम हो रहा है। आज बहुत सरकार ही कर रही है ना, अभी पुलिस का तो पुलिस का मतलब सरकार ही कर रही है मैडम, ठीक है, प्रशासन कर रही है, लेकिन अगर पूरे, सुनिए, अगर पूरे देश में ये चीज हो, हर जगह पुलिस प्रशासन अगर ये करती है, तब हम ये कह सकते हैं कि हर सरकार ने ये चीज करा है, हाँ। लेकिन ये सरकार ने नहीं करा है, ये कुछ ऐसे प्रशासन वाले हैं, हाँ। जिनके दिल में शायद ये लगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज अगर हम करें तो हमारे जो नौजवान है या फिर जो भी वाहन चालक है वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं, और अगर इनको इस तरह के जो सामान है, यानी कि अगर हेलमेट नहीं है तो हेलमेट दे दे, इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस करा दे, इस तरह की अगर सुविधा देते हैं तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा हमारे और जनता खुश रहेगी।
और जनता भी इससे खुश रहेगी। ऐसा है ना, लोग भी कहेंगे कि ठीक तो है, तुम नहीं करवा रहे थे तो तुमको जबरदस्ती पकड़ के करवाया जा रहा है। ऐसा पाल हो रहा है पंकज जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लिख लीजिए, आपकी सरकार में ये इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं बिल्कुल, आपकी सरकार गरीबों के जेब का पैसा और मुंह का वाला छीनती आदमी करेगी। आप गरीब की बात जो कह रहे हैं, हमें ये बताया जाए कहाँ का कानून है कि गरीब बच्चा को हम बाइक दे दे बिना इंश्योरेंस का, इसका मतलब चोरी का बाइक खरीदने खरीदने के लिए जिस बाइक का डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका इंश्योरेंस नहीं है, उसका परमिट नहीं है, वो बाइक कैसे चला लेगा बच्चा? स्पोर्ट बना दीजिए ना। अरे कैसे बना देगा? चोरी का बाइक है वो, बच्चा कहीं से ले लिया लेकिन चला रहा है। आप लोग बाइक वो तो अलग मैटर आप बोल रहे, वही मैटर है। लेकिन जिसके पास आप जो बोल रहे 10,000 में बाइक खरीद लेता है, कितने लोग ऐसे होंगे जो चोरी के बाइक चलाते हैं? नहीं नहीं, चोरी चोरी का कोई बाइक नहीं चलाता है। हमारे यहाँ तो सुशासन बाबू की सरकार है, आपकी भी सरकार है, एनडीए की सरकार है, चोरी के बाइक लेकर चलते हैं। आपको जहर पी लेना चाहिए कि आप जिसने यहाँ पर लोग चोरी का बाइक चलाते हैं। आप जो बोले कि गरीब ऐसी सरकार चला रहे हैं जहाँ चोरी की गाड़ी चल रही है, आप मैं बता रहा हूँ जो आप बोले ना, आपको बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है। अपने पार्टी को आगे डूब जाइए। जो बोला आपकी सरकार है और उस सरकार में चोरी की गाड़ियां चल रही है सड़क पर, चोरी की गाड़ियां से बड़ा नहीं बोला क्या होगा? मेरा कहने का मतलब हो रहा है कि जो बच्चों कह रहे, गरीब बच्चे जो 10,000 का बाइक लेके खरीद के चला रहे हैं, तो बताइए आपकी 10,000 का बाइक बिना पेपर का ही बाइक मिल रहा होगा? कहाँ से मिल रहा है? पलट नहीं रहा हूँ, मैं पलट नहीं रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ। बहुत सारे टीन एजर बच्चे चोरी का बाइक चला रहे हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है। यदि आज प्रशासन सब कुछ है, मैं वही कह रही हूँ, प्रशासन सब कुछ है, शासन बाबू की सरकार में ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया? शासन बाबू की सरकार है, कैसे आपकी सरकार है? सुधार करने ये कहना चाह रही कहना चाह रहे हैं तो अमीर चलाएगा चोरी का बाइक? कोई किसको अमीर का बच्चा क्यों चलाएगा? उसको पैसा का क्या कमी है? अरे गरीब ना चलाएगा किसको दे रहे हैं आप? गरीब कह रहे हैं? अरे महाराज, एक रिक्शा पुलर का बच्चा भी जो है वो भी 1,000 पर डे कमा रहा, 30,000 का महीना कमा रहा है। बहुत सारा गरीब का आदमी बढ़ते हैं। कहा था 17 रुपया कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है? आप उसी लाइन पर आ गए क्या? सोच के डिफिनेशन पर है आप, कैसे सोच रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में कहा गया था जो 17 रुपया कमा रहा है वो गरीब नहीं है। किसके सोच की बात कर रहे हैं? मनमोहन सिंह के सोच की? मैं अपने अभी के वर्तमान सरकार की सोच कर रहा हूं। हमारे देश को मंदी ने छुआ नहीं था। मैडम मंदी पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, आज जो मंदी पे चर्चा करने आए हैं छीन रहे हैं। मैडम मैं आज मंदी पे चर्चा कुछ भी सवाल नहीं, उनका आज का जो टॉपिक खास टॉपिक उस पर डिस्कस करने आए हैं। नहीं नहीं, आपने सोच की बात की है मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह के मनमोहन सिंह की बात नहीं है। और फिलहाल नहीं, आपने सोच की बात की ना, तो मैंने आपको मुद्दे पर आते हैं। आप ये बताइए कि ये जो एमवी एक्ट लागू कर दिया गया है, नया एमवी एक्ट, इसके बाद पुलिस और पब्लिक दोनों के बीच अक्सर आए दिन झड़प नजर आ जा रही है कहीं ना कहीं। अब ये रिश्ते कैसे सुधरेंगे? सुधर रहे हैं, उसी के लिए पहल किया गया ना कि बहुत सारा हेलमेट लेके रखा जा रहा है, इंश्योरेंस वाले पदाधिकारी को लाके रखा जा रहा है कि आप बच्चे जो भी आए कहाँ पर रखा गया? एग्जीबिशन रोड वाली आपको न्यूज़ नहीं कहाँ पर रखा गया है? सुनने में आया है कि वहां के जो थाना प्रभारी थे वो हेलमेट दे रहे थे 500 रुपया लेकर के। कुछ कुछ ऐसे जगह है, गया हो गया, फिर से मोतिहारी में भी ऐसे पहल की गई है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक दो जगह इस तरह के पहल करने से पूरे देश की हालात तो नहीं चेंज हो जाएगी ना? आए दिन यहाँ पर झड़प हो रहे हैं, बक्सर में भी जो एसआई है वहाँ के एसआई और एक स्टूडेंट के बीच झड़प हो गया था। बात तो शुरू हुई थोड़ी सी हल्की सी नोकझोंक से और बात तब्दील हो गई मारपीट। लोग तो पहले से एक्चुअली है क्या कि मानव ऐसा है, एक आपको कविता सुनाते हैं, उन मकरंद कमल की शोभा उस पागल भृंगों से पूछो, घन गर्जन में सुख कैसा है वह मस्त मयूरों से पूछो, क्यों प्राण लाद नाद पर जेत देते हैं जाकर मृग सावक से पूछो, जल बिना तरफ क्यों मरती है यह बात मछलियों से पूछो। तो हम लोग क्या है कि मछली बन गए हैं, जल के बिना रह नहीं सकते हैं। तो नियम जो आया है वो नियम
बिना नियम के हम लत लगा लिए हैं, ये आप मानिए चाहे नहीं मानिए इरशाद भाई, इसमें क्या है कि बिना नियम का जो है चलने के लिए मेरा मानना एक चीज है, गगन के पिंजर बजना गा पाएंगे हम, पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बजना गा पाएंगे कि उक्ति जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन नहीं हमको सपोर्ट करना होगा, हम लोगों को भी क्या है प्रशासन को भी सबको सपोर्ट करना होगा, और जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे दुर्घटना का शिकार आप भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, हम भी होंगे, इसलिए मिलजुल करके इसमें पहल करने की जरूरत है, इसमें क्या है कि वाक युद्ध करने की जरूरत है, पहल करने की जरूरत है। बात सुनिए, वो आप हमारी नहीं, हमारी है, हमारे कुर्सी की चिंता नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि जा रही उसके मतलब नहीं है। अरे सर कुर्सी के लिए आप कुछ भी करते हैं, अब ये तो आपका सोच है ना, सरकार आपका सोच है, ठीक है, आराम से आराम से, ये जो सोच है कांग्रेस की सरकार गिरवा के अपनी सरकार बनाते हैं, ये तो अब बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, हम इतना ही जान रहे हैं आपने कर्नाटक में किसी भी चीज को सुधारने के लिए क्या कठोर कदम उठाना पड़ता है, जवाब नहीं देते, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जवाब है, आपने पास पे क्या किया, कोई प्रूफ नहीं आपके पास है, उसके विधायक को आपने खरीद लिया, बुनियाद बात करते हैं, किसी का विचारधारा बदल दीजिएगा, विचारधारा बदल कर क्या है, हमारे इरशाद भाई मुद्दा से भाग रहे हैं, मुद्दा नहीं आप लोग भागिए मुद्दा से, हम भी बचाए, आप सच सुनने नहीं चाहते, इरशाद भाई मुद्दा पढ़ाइए, चलिए ठीक है, प्रशासन और हमारे आत्मीय सुरक्षा की बात हो रही है, रीति जी यहाँ सुरक्षा की बात हो, हमें यह समझ में आता है कि सुरक्षा के लिए किया गया, लोगों का भविष्य, लोगों का सुधारने की बात कर रहे हैं, बोलिए ना आप, दो मिनट बोलिए, पंकज जी सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, मैं बस आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, ये जो सड़क पर इतने सारे गड्ढे हैं ये कब भरे जाएंगे मैडम, ये कब खत्म होंगे, आप देख लीजिए पटना की बात हम प्रॉपर करते हैं, पटना में बहुत कम गड्ढे, बहुत कम जगह रह गए जहाँ रोड प्रोग्रेस पे है, मैक्सिमम रोड तो सरकार को लोगों ने तो समय दे दिया जी, सरकार को तो लोगों ने समय दे दिया कि हाँ भाई आप आराम से दीजिए, हम आपको 5 साल का कार्यकाल दे दिए हैं, आप समय लीजिए बनाइए और सड़क, लेकिन सरकार ने जनता को क्यों समय नहीं दिया, जनता आपको भी पता है कि जनता ये जो एक्ट आया है इससे बहुत ही त्रस्त है, और यही रीजन है कि कई ऐसे जिले हैं जहां से लोग जुलूस निकाल रहे हैं इसके खिलाफ, बिल्कुल बिल्कुल आपका कह रहा सही, आंदोलन क्या सही है, लेकिन मैडम आंदोलन सही नहीं, लेकिन ये भी मैडम अच्छी है ना, आप ये देखें कि बहुत पहले से ये कानून है ना, वोटर हैकिंग एक्ट आज पहला बार तो कानून लागू नहीं हुआ है, ये पहले क्यों नहीं लोग सख्ती से कर रहे थे, आज जब पेनाल्टी बढ़ाया गया तो सख्ती से नहीं दिखाया पंकज जी, प्रशासन भी उस समय लूज नहीं था, प्रशासन भी पकड़ता था, लेकिन फाइन कम था, लोग फाइन देकर छूट जाते थे, आज फाइन ज्यादा हो गया, लोगों में हड़कंप मच गया अचानक से कि भाई फाइन बहुत ज्यादा पड़ गया, फाइन क्यों लेते हैं, हमारा यही सवाल, फाइन क्यों लेते हैं, हेलमेट दीजिए, ये कागज निकागज दीजिए, फाइन क्यों लेते हैं, इस बात से सहमत है आपका, आप इसके लिए पहल चल रहा है, आप बोलने नहीं देगा पंकज जी तो कोई मतलब नहीं, बोलिए आप अपने टर्म में बोलते हैं दूसरे में भी बोलिए ना, इससे दो चलेगा, आप हमारी बात, प्रशासन पहले सख्त थी क्या, हमेशा प्रशासन वैसे ही है, खास के चंदा होगा ही के मामले में पुलिस बहुत ज्यादा सख्त रहती है, पुलिस को और कोई काम में आप इतना अच्छा नहीं देखिएगा एक्टिव, चंदा होगा ही में सबसे आगे, कहीं की भी पुलिस हो क्योंकि उसमें उनकी कमाई है, अब जैसे मान लिया मेरे ऊपर 1000 का फाइन लगा, मैं कहूँ सर मेरे पास तो 1000 नहीं 300 ला लो दे दो, तो 300 में उसका काम हो गया, कागज सरकार तक पैसा गया नहीं, उसका जेब भर जी तो इतना फाइन हुआ है, तो सुन लीजिए आप हमारी बात सुनिए, कहने का ये मेरे मतलब है कि ये जो आपने जो टैक्स लाया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में, अब बताइए कि एक ट्रैक्टर हरियाणा के एक ट्रैक्टर को 59,000 का मारा गया फाइन, वहां के सारे किसान सड़कों पर उतर गए बिल्कुल आंदोलित एकदम जबरदस्त तरीके, एक बात बताइए ट्रैक्टर कौन चलाता है, ट्रैक्टर मध्यम क्लास का किसान या बड़ा किसान, सबके पास ट्रैक्टर, किसान जो बड़ा है वो तो खुद खेती करता नहीं, उसकी खेती सब बटी हुई रहती, जहां तहां सब बटाई में रहता है, ट्रैक्टर के मालिकों का ही हाल है कि भादों में रोपाई डुबाई के बाद जो ट्रैक्टर खड़ा होता है तो फिर वो सीधा कार्तिक में निकलता है गेहूं की खेती के समय में, और उसके पास में सर्विस कराने का पैसा नहीं है उस किसान के पास में कि सर्विसिंग हम करा दे, वो 59,000 का तुम्हारा गब्बर सिंह टैक्स कहां से देगा। नंबर दो, एक मोटरसाइकिल वाला दिखा रहा था दिल्ली में कि उसको 27,000 का पेनाल्टी मारा, उसने अपने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला, मार दिया माचिस मोटरसाइकिल को उसके सामने कि हेलो लो अब मारते रहो,
आइए भंगार उठा करके लेके जाओ। इस स्थिति तक पब्लिक जो पहुंच रही है, मेरे कहने का मतलब है कि मान्यवर आप कानून बना रहे हैं कि पूरे देश को पैनिक कर रहे हैं, डराना चाहते हैं, दहशत में लाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि ईवीएम भी आपका काम करेगा हमेशा? देश की जनता बहुत जागरूक है, खेल बिगड़ रहा है आपका, ये नुकसान आप ही को। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं पंकज जी, पहले एक चीज को आप दिमाग में रख लीजिए। ऐसा नहीं लगे आपको कि आप हमको कहते कि कांग्रेस वाला है आरजेडी वाला, आरजेडी वाले भी रहते तो उनको भी सज्जन को मैं नहीं छोड़ता हूं। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताता हूं आप कानून बनाइए, ऐसा बनाइए कि जनता आपको हाथों हाथ ले। अच्छा ठीक है, आपको जनता हाथों हाथ, क्या पहली बार कानून बन रहा है? इससे पहले जैसे आप राजस्थान की बात किए ना, आप सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये जितने प्राइम मिनिस्टर थे, इन लोग कानून नहीं बनाते थे क्या? ये लोग टाइम पास करते थे, इन लोग भी कानून बनाते, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रख करके बनाया जाता था। और एक चीज और सुन लीजिए, कोई भी सरकार जो देश में आती है उसका पहला कर्तव्य है गरीबों की बात करना, अमीरों की बात करना नहीं। अमीर तो अमीर है, ये है गरीबों का उत्थान कैसे होगा। दुर्भाग्य हमारे देश का है कि गरीबों का वोट लेके तो सरकारें आती है और उसी गरीब को जला के मार देती है। गुजरात में 50% जो है वो जुर्माने की राशि को कम कर दिया गया है, क्या वहां की जो सरकार है उन्हें अपने हाँ ठीक है, मुझे पता है उन्हीं की सरकार है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो वहां के सीएम है, वहां की जो स्पेशली वहां की सिर्फ सरकार है, क्या उन्हें अपने नागरिकों की चिंता नहीं है, उनके सुरक्षा की चिंता नहीं है? बिल्कुल चिंता है। हाँ तो फिर 50% कैसे कम हो गया? और तो आप राजस्थान की बात की, राजस्थान के ट्रैक्टर वालों ने ऐसा जुलूस निकाला, हरियाणा वाला। हमारा ये कहना है क्या सरकार किसानों के लिए लोन माफ नहीं किया है? क्या किसान को खेती करने के लिए पैसा ऋण मुक्त नहीं दिया है? क्या इंटरेस्ट मुक्त दिया पैसा? आज हमारे बिहार में, आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किए सुखाड़ घोषित करके, किसानों के भलाई के लिए, किसानों को खुश रखने के लिए, किसान का परिवार खुशी रहे, सुखी संपन्न रहे, उसके लिए सुखाड़ में पैसा दिया है कि नहीं? हाँ, दिया? और फिर दूसरे फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कानून को तोड़ के, कानून की बंदिशों से आगे बढ़ करके और कोई काम करें। हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, हम मजदूर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रैक्टर बिना पेपर का चलाएं, बिना इंश्योरेंस का चलाएं। हमारा बच्चा, हम गरीब हैं, हमारा बच्चा बाइक चलाना चाहता है तो हम क्यों नहीं उसको हम टैक्स बना दें, क्यों नहीं हम उसको हेलमेट पहना करके करें, हम क्यों उसको चलाएंगे कि बिना हेलमेट के जाओ, क्यों करेंगे? हम गरीब जरूर हैं लेकिन कानून तो हमारे भी समान है ना, कानून तो गरीब अमीर नहीं देखता है ना। ये जो कानून बनाया गया, कानून पे सख्ती किया गया, सिर्फ हमारी सरकार सख्त हुई है, कानून बनाई नहीं है, नहीं जैसा बताया भाई साहब कि आपकी कानून बनती है, गब्बर सिंह कानून नहीं है, गब्बर सिंह का एक्शन भले हो सकता है, कानून पहले से बनाया हुआ भाई साहब, वो पिछले 70 साल से कानून बना हुआ है। अब हम लोग सरकार फिल्में ज्यादा देखती है? जी नहीं, फिल्में देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं भाई साहब, ये गब्बर सिंह ऐसे बता रहे हैं, लेकिन ये कानून तो बनी हुई है, हम लोग सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं, हम सख्ती से कानून का पालन करता है, हम कानून की अवहेलना करना नहीं जानते हैं, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। उदय जी, जो जुर्माने की राशि है, एक मिनट ऐसा जी, एक नहीं बोलिए, एक मिनट का लाइन को पूरा कर दीजिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, सरकार इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो अभी अनाउंस किया है कि प्रत्येक परिवारों को 3,000 रुपया मिलेगा, किसको मिलेगा जानते? जिनका खेत है। और मैं बार बार चीख के कह रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी, जिसका खेत है वो खेती नहीं करता, तो खेती कौन करता है? गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, अगड़ा, गरीब मुसलमान जो एमबीसी, ये खेती कर रहा है गांव में, इसकी जमीन नहीं है। जमीन किसकी है? इरशाद शेरशाहबादी की। और वो कहां रहते हैं? बंबई में। वो कहां रहते हैं? पटना में। डिबेट कर रहे हैं पंकज जी की, ये कहां है? तो ये बिजनेस कर रहे हैं, जमीन इनका गांव में है, खेती कोई और कर रहा है, उसको क्या लाभ है? डूब तो रहा है वो, भूखा तो मर रहा है वो खेतों पर, फिर पैसा किसको मिलेगा? हमको, क्योंकि जमीन मेरा है, मेरे नाम पर वहां चेक आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कितना, ये घोटाला की सरकार है, मेरा कहा हुआ है, ये सब पूरा फुल करप्शन भरा हुआ इसके अंदर में है। आप इसके लिए तो आवाज देने के लिए वहां मांगा जाएगा कि लाइए टैक्स, लाइए, मुफ्त में नहीं मिल रहा, तुरा पैसा लाओ ना, अन्यथा तो लौटा देंगे कि नहीं मिला यहाँ पर। तो ये सब खेल है। देखिए बिहार में आप लोग तो महाराज रहने दीजिए, 15 साल से इसकी दही करके रख दिया इस नहीं, लोगों ने सुधारा है, लालू पहले की सरकार जो थी बर्बाद करके रखी हुई थी, आप इतिहास पलट कर देख लीजिए। चलिए ठीक है, अभी आप सड़क की बात भाजपा कांग्रेस सब बाद में कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे। उदय जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गुजरात सरकार के द्वारा पहल की गई है, वो पहल क्या बिहार में नहीं हो सकती या फिर हमारे देश के और राज्यों में नहीं हो सकती क्या? होगी,
तो ये जुर्माने की राशि आखिर क्यों नहीं कम हो रही है? एकदम हो सकती है, लेकिन वह काम प्रेम से हो सकता है। वह काम क्या है कि मोटरसाइकिल में आग लगा देने से नहीं होगी, वह काम क्या है कि डंडा चलाने से नहीं होगा। कैसे होगी? इस पर पहल हो सकता है सरकार को, अगर हम लोग जा करके कहें, सब मिल करके कहें, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन नियम, अभी पंकज जी बताए ये बात सही है कि नियम नियम होता है। नियम एक आग का गोला है, नियम एक पानी है, जिसको कहते हैं कि नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलन्द्यापो न शोषति मार्तः। हवा सुखाने का काम करेगी, जल जो है भिगाने का काम करेगा, आपको अग्नि क्या है जलाने का काम करेगा, उसी तरह नियम है। नियम बीजेपी गरीबों को सताने का काम करेगा। सुनिए पूरी बात को, बीजेपी तो गरीबों को आगे बढ़ा रही है। आप क्या, आप दलित महादलित सब खा दिए, देश को तो रसातल में पहुंचा दिया है सर। देश को रसातल में पहुंचा दिया है। बताइए नौकरियां छीन ली, क्या बोलते हैं, सुनिए जरा, टेक्सटाइल फैक्ट्री में 2 करोड़ रोजगार कर दिया, सारी देशेगी 2020 में, जिससे आपको हिसाब भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, देखा हुआ है 2019 में, आप लोग कहे थे हम देख लेंगे। बहुतों का सुपड़ा साफ हो गया ना, काम का बदौलत वोट मिला है, किसी का बदौलत वोट नहीं मिला। सही बात है, आप लोग झूठा वोट तो आपको जनता ने आपको वोट दिया जी, 5 और साल के लिए आपको दे दिया सरकार बनाने के लिए, लेकिन क्या उसके बाद ये तानाशाही सही है क्या? तानाशाही क्यों कह रही है मैडम, तानाशाही कहाँ है ये? तो अब बार बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और जो सरकारें हैं और अन्य राज्यों में, वो इस जुर्माने की राशि को कम क्यों नहीं कर रही है? गुजरात ने तो कर दिया, तो और राज्य क्या सोच रही है? उसमें भी पहल हो रहा है, वो किया जाएगा, पहल हो रहा है उसपे, लेकिन अब इसके इसके लिए नहीं कहा जा सकता है कि हम कानून के विभिन्न काम करेंगे। वक्त आने दीजिए, वक्त बताएगा, तो आया हुआ है और वक्त तो अभी आ गया ना। आपको सरकार आपके 2 दिन पहले हम बताए तो कि हेलमेट लगाकर लोग हेलमेट बांट रहे हैं पुलिस पैसा लेकर के, वो पहल ही नहीं है, वो एक पहल है, अच्छा पहल है। इंश्योरेंस वाले पदाधिकारी को लेकर बैठाया गया कि आप बैठिए, जिनका इंश्योरेंस है उनको इंश्योरेंस करके दीजिए, ये पहल ही नहीं है क्या है? इसका मतलब ये नहीं है, अगर पहल है तो ये पूरे राज्य में होना चाहिए ना, हो रहा है, थोड़ा इंतजार किया जाए, समय का इंतजार किया जाए, सब सही आएगा। इंतजार में आपको पता है कितने लोगों को जुर्माना देना होगा, कितने लोग जुर्माना दे चुके होंगे? आपके पास इतनी सारी राशि, ये राशि जो है वो अर्थव्यवस्था में काम आएगी, और मुझे जहां तक अब तक लग रहा है कि अर्थव्यवस्था, ये जो गिरती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको ढकने का काम किया जा रहा है इस एक्ट से, और जो भी पैसे आएंगे इस एक्ट के तहत उसका यूज किया जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था जी। नहीं, उसका 2 काम उपयोग हो रहा है। पहला उपयोग क्यों हो रहा है? मानव सुरक्षा, हर घर के हर बच्चा, हर माता पिता, मानव सुरक्षा सरकार नहीं आ सकती थी पंकज जी, नहीं आ सकती थी, नहीं आ सकती थी, यदि यानी होती तो आ गई होती अब तक, बहुत पहले से एक्ट लगा हुआ है ये। प्रशासन ने शक्ति दिखाई नहीं ना कभी, अब चाहे जो भी हो, जिस कारण से भी हो, प्रशासन ने शक्ति नहीं बरती, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब आज क्यों मान रही है? आज प्रशासन के ऊपर भी कड़ाई हुआ, आज उसके ऊपर सुशासन है, ये पहले कड़ाई क्यों नहीं हुई? पहले कड़ाई क्यों नहीं हुई? जब जनता से ज्यादा पैसा लेना है, ज्यादा जुर्माने की राशि जो है वो लेनी है, तब आपने शक्ति दिखाई प्रशासन पर। पहले अगर आपने प्रशासन पर ये शक्ति दिखाई होती तो करना होता, वो जनहित में लगा रही है सरकार, अपनी पैसे में थोड़े डाल रही है। अरे कौन सी मानव सुरक्षा, जनहित क्या, जनहित, जनहित तो इतना ज्यादा हो रहा है, धन्यवाद, आपको पता होना चाहिए कि देश का अर्थव्यवस्था तो गिर गई, मंदी आ गई, रिजर्व पैसा में 1,76,000 करोड़ निकल चुका है, आप तो आपको पता होना चाहिए, देश मंदी में 5% बढ़ा गया है, ठीक है, इसी जनहित का काम आप कर रहे हो सर। अभी अभी 5 साल में आपको पता नहीं चल पाया क्या जनहित हुआ? धन्यवाद, क्या पता नहीं आया आपका राष्ट्र अपने आराम पर, जहां आप इतिहास के स्टूडेंट को वित्त मंत्री बनाएंगे तो देश का दुर्दशा वही होगा जो अभी हो रहा है। इरशाद भाई, इरशाद भाई जरा हमको भी बोलने दीजिए, अगर तो जबरदस्ती छीन लीजिएगा आप अपना लाइन, सुनिए चुप रहिए, सुनिए, इरशाद जी उदय जी को भी समय देते हैं। ऐसा है, हम इरशाद भाई से पूछना चाहते हैं कि एक मरीज अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको तो 10 तरह का सुई लगाना पड़ेगा, अगर लगाना पड़ेगा तो दर्द होगा, तो क्या उस मरीज दोषी है कि डॉक्टर दोषी है? हम इरशाद भाई से पूछते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ, ले उसी तरह
ये जो आज नियम की बात हो रही है, जो हम अनुशासनहीनता का काम कर रहे हैं, कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी थी। और सुनिए, वो कविता के माध्यम से आपको हम सुनाना चाहते हैं। सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया, कविता सुनाते हैं। सुन के माध्यम नहीं, सवाल आपने किया उसका जवाब लीजिए, उसके बाद आप कविता सुनाइए। हाँ बोलिए। आपने जो कहा कि मरीज दोषी के डॉक्टर दोषी, वहां पर ना मरीज दोषी है ना डॉक्टर दोषी, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है कि मरने के बाद भी 10 दिन वेंटिलेटर पर रख रही है। नहीं, नहीं, वो जो बिल वो चूस रही है गरीबों से, इनका कहना है बीजेपी जी, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मरीज मर जाए लेकिन उसको 10 तरह दवा ना दे। अरे दवा महंगा है तो नहीं होगा, बताने के लिए कहां है आपके राज्य में किसी। अरे बिल्कुल, क्या बात है, हॉस्पिटल में दवा आप बाद में बता दीजिए ना। चलिए, अच्छे दिन आ रहे हैं, कैसे दवा दिखा दीजिए, मेरा मार है। अब एक और नया कार्यकाल चाहिए लगता है आपको। एक कविता के माध्यम से हम दोनों भाई को कहना चाहते हैं, मेरे पापा जब भी जाना हेलमेट पहन कर जाना, तुम स्कूल मुझे जब लेने आना हेलमेट पहन कर आना, तुम है बहुत जरूरी सड़क सुरक्षा पालन करना नियम का, कार से लेने आना हो तो सीट बेल्ट भी लगाना, तुम हम बच्चे हैं भारत के आधार हम ही कहलाते हैं, यातायात के नियमों का महत्व तुम्हें बतलाते हैं, होंगे बड़े करेंगे पालन आज मन में ठान लिया है, सीट बेल्ट और हेलमेट का महत्व अभी से जान लिया है, गति पर सदा नियंत्रण हो ऐसे ही गति से चलना, तुम यातायात के नियमों के अनुरूप सदा ही ढलना, तुम आप सुरक्षित हम भी सुरक्षित परिवार सुरक्षित रहे सदा, सबकी उम्मीदों के चिराग बन ऐसे सदा ही जलना, तुम अपने बाएं सदा ही चलना नियमों के अनुरूप ही ढलना, है सड़क सुरक्षा बहुत जरूरी हेलमेट नहीं बने मजबूरी, सदा पहन कर हेलमेट चलना दुर्घटना से देर भली है, थोड़ा समय से पहले निकलो अपने समय पर ट्रेन चली है। इसार भाई, इसको बहुत, बहुत 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 सारे अपने आंसर दे दिया, अपने कविता के माध्यम से सारे सवालों का जवाब दे दिया। जी उदय जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, लेकिन लेकिन क्या गरीब की पार्टी है जी? बात सुनिए जी, अब बात सुनिए जी, मैं 2015 में हम बीजेपी गठबंधन में थे, जीतन राम मांझी के पार्टी में हम प्रदेश अध्यक्ष थे माइटी सेल के, तो हमारा गठबंधन था 2015 में। उतनी मेहनत नहीं किया जितना किया होगा सारे लोगों ने, करीब 3-4 पार्टियों का गठबंधन था। सीटों का क्या हाल हुआ, मांझी जी 1 सीट, रामविलास 2 सीट, और आपके उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट। यहाँ बात हो रही है, ये तो विषयांतर हो गया, विषय से विषयांतर हो, हाल इनका होने जा रहा है, विषय से विषयांतर हो गया, और दो सीट नहीं मिला तो भाजपा खराब कुछ जो है, ये यदि भाजपा खराब ही थी तो आप गठबंधन क्यों कहते हैं, ये जो चैनल भाजपा वाले खराब झूठ पढ़ा पढ़ा के लाया क्यों है, ठीक है हो गया ना, गब्बर सिंह जी है भाई, इरशाद भाई, यदि भाजपा गलत थी तो आपने गठबंधन क्यों कहा था, मैंने आपको समय दे दिया, ठीक है अब बढ़े आगे। चलिए उदय जी, आपने ये जो कविता सुनाई है ये बहुत अच्छी कविता है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन क्या एक ऐसी ही कविता के माध्यम से आप सरकार को ये कह सकते हैं कि जिनके पास हेलमेट नहीं है उनको हेलमेट दीजिए, जिनके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है उन्हें इंश्योरेंस प्रदान कीजिए, जिनका पॉल्यूशन नहीं है उन्हें पॉल्यूशन प्रदान कीजिए, इस तरह से भी आप सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोक सकते हैं, तो ये पहल भी जरूरी है। क्या आप ये कविता, आप ये कविता कब, ये कविता आप कब सुनाएंगे? प्रीति जी, अभी तो हर ऑफिस लाइन लग के हो रहा है, बोलने दीजिए उदय, उदय जी को बोलने दीजिए। जो रोगी है उसको क्या है कि डॉक्टर नहीं बुलाता है, रोगी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, प्यासा को कुआं जो है प्यासा के पास नहीं आ जाता है, तो हम नियम विहीन चल रहे हैं, ये माने चिंतनीय विषय है। आपके हिसाब से तो फिर लोगों को जाना चाहिए पुलिस प्रशासन के पास, नहीं पुलिस प्रशासन रास्ते में तो नहीं मिलना चाहिए, पुलिस प्रशासन तो हेलमेट नहीं ना देगा, क्यों नहीं देगा, अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं उदय जी, अगर आप कह रहे हैं कि नए जुर्माने की राशि सही है, ये लोगों की सुरक्षा के लिए है, तो सुरक्षा की भावना यहाँ पर कहाँ गई, आप हेलमेट क्यों नहीं दे सकते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, आप जुर्माना की राशि क्यों बढ़ाएंगे, नहीं आप ये बताइए, लोगों के पास जुर्माना राशि देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के स्कूल में फी ज्यादा हो गया है, हर जगह महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन आपको चाहिए पैसा, लोगों से पैसा आना चाहिए, जुर्माने की राशि आप बढ़ा ले, आने वाले 10 दिनों में पूरे देश वाले 10 दिनों में सब कम हो जाएगी मैडम, हाँ
आने वाले 10 दिनों में ही फाइन देने वाले की संख्या कम हो जाएगी। सभी लोग जागरूक हो रहे जागरूक हो रहे हैं, सभी हेलमेट लेके चल रहे हैं, सभी अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं, सभी पॉल्यूशन बनवा रहे हैं। मात्र 10 रुपया और 20 रुपया अब अगर 15 दिन दे देते तो वो वैसे भी बनवा लेते, नहीं बना पाते लोग, देखते लोग नहीं बना पाते। लोगों का सोच वो है, अनुशासन में रहना नहीं सीखे है, अनुशासन रहना सिखा रहा है सरकार। अनुशासन तो लोग घर से सीखते हैं ना, घर से। वही बात मैं बताना चाहता हूँ साथ को, हम लोग पढ़े थे, यदि माँ बाप का भय नहीं होता, यदि बसात भाई की माँ बाप का भय नहीं होता पिटाने का, टीचर का भय नहीं होता, सच पढ़ नहीं पाते हम लोग। अरे सुनिए, वो भय से नहीं, वो हमारा अनुशासन सिखाया। पब्लिक को आपके इस सब चीज से नहीं कोई आप जान लीजिए, ये देश पूरा आंदोलित मूड में है, कहीं भी कुछ भी हो आपके कहने नहीं मिलता। आप इसका मतलब कि कहीं आंदोलन, आप लोग तो आप लोग भी कह रहे थे कश्मीर में ये होगा तो आंदोलन हो जाएगा, कहां क्या आंदोलन हो गया? आप लोग बेवजह का बेबुनियाद बातों को भड़काते हैं। किसने कहा? आप तो कह रहे हैं आंदोलन के मूड में, क्यों नहीं आंदोलन मूड भाई, देश आंदोलन नहीं है, कहां आंदोलन के मूड में, किसको बता रहे हैं? सभी लोग अनुशासन रहना सीख रहे हैं, सब खुशी को बिल भर रहे हैं क्या? खुशी से भर रहे हैं। अच्छा, खुशी से भरते तो कैसे होता, आंदोलन हो रहा था। एग्जीबिशन में खुशी से भरे तो फाइटम फटी क्यों हो गया? आप देखो उसमें से 10% लोग हैं जो गिरा गिरा के वो मारा पब्लिक को, पुलिस का भाई एक आदमी जेल चल गया है, 200 आदमी नामजद हुआ जो अनुशासन भाई आप है झूठे बोलते जी नहीं, आपको आदत हो गई है, अब तक आप झूठ बोल रहे हैं, आपको आदत हो गई है, सुनने की बात इतना बोलते आप लोगों को गलत आदत छोड़ गई है सुनने की, अनुशासन वाले कदम नहीं है पंकज जी, ये अनुशासन सिखाता है, अनुशासन होना चाहिए। जी पंकज जी चलिए एक मिनट का समय लास्ट, मैं एक बात इस पर प्रतिक्रिया देखिए मैडम, आपने हमने और उन्होंने पांडे जी ने जो मशवरा रखा असल में वही होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, ये कोई विदेशी नहीं है जिस पर हम जज या कर लगा रहे हैं। बात को समझ ही नहीं है, आप चुप रहिए सर, आपको समय मिलेगा, हर बार आप गलत समय देते तो रखते क्यों नहीं मुद्दे का एक निचोड़ होना चाहिए। ठीक है, हम सुन लेते हैं, तीनों की बात सुनेंगे। चलिए इरशाद जी, तो आप वही करते, मान लिया कोई विदाउट हेलमेट है उसको रुकवाइए, उसको हेलमेट दीजिए 500 रुपया लीजिए, जिसका इंश्योरेंस नहीं है इंश्योरेंस का पैसा लीजिए इंश्योरेंस बनवाइए, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस उसके लिए इश्यू कीजिए, जिसके पास में पीयूसी नहीं है उसका पीयूसी करवाइए। पूरे देश की जनता खुश हो जाती कि सरकार हो तो ऐसा हो, लेकिन सवाल है कि ये तो हिटलर शाही की सरकार है, ये थोड़ा नॉर्मल होकर बात करेगी, ये तो लूट लेगी, मतलब कपड़ा तक उतार दो, कपड़ा तक उतारवाने का धंधा हो रहा है इस देश के अंदर में। ठीक है चलिए पंकज जी आपकी प्रतिक्रिया। मेरा बस एक ही चीज कहना है, इस सरकार की जो मंशा है बस एक ही है कि इस राष्ट्र का हर एक नागरिक अनुशासन में रहना सीखे, सबों की जान माल की सुरक्षा हो, इसके लिए आप जैसा कह रहे हैं बार बार जजिया कर क्या था वो आप पढ़े नहीं, इसका मतलब वो क्या था, ये तो वही कर है जिस कर के चलते हम अनुशासन में आ गए हैं, और आने वाले 10 दिनों के अंदर आपके साथ देखेंगे मार्केट में, आप पेपर में पढ़ेंगे, आप अपने लोग न्यूज की तरह देखेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो लोग की इस तरह के पेनाल्टी देने के लायक होंगे, क्योंकि सबों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, सबों के पास हेलमेट, सबों के पास पॉल्यूशन वाली कार्ड रहेगी, ठीक है उदय जी, सभी अनुशासन रहना सीख जाएंगे वो। देखिए प्रीति जी, इसमें प्रेम की बात है, आपने बोला कि हेलमेट दे देते इंश्योरेंस दे देते, आपको मालूम होना चाहिए कि एक रास्ते से हजारों की ज्यादा संख्या में पब्लिक लोग यात्री लोग गुजरते हैं, अब बताइए कि एक पुलिसकर्मी 5000 हेलमेट लेके बैठे, आप ऐसा हो सकता है कि 5000 हेलमेट इतना गुजरेगा? उसके लिए तो एक दुकान है, इंश्योरेंस करने वाले आज देख रहे हैं कि बैंक में एक छोटा सा बैंक होता है और उसमें भीड़ लग जाती है, तो सबका सिस्टम बना हुआ है, ये सोच रहे ये इंसानियत का इंसानियत है, सुनिए आप बोल रहे थे आप चुप थे, आप बोल रहे थे चुप रहे थे, अब क्या है कि मेरी बात भी सुन लीजिए, ये क्या उदय जी आपने जो कहा मैंने सुन लिया, लेकिन इसका मतलब क्या जो मोतिहारी में पहल
की गई है, जो गया में पहल की जा रही है कि लोगों को हेलमेट दिए जा रहे हैं, तो वो चीज तो फिर नहीं होनी चाहिए थी ना। पहल यहाँ भी हो रही है। नहीं, इनके अनुसार तो ये चीज नहीं हो सकती है ना, क्योंकि जो प्रशासन है इतने सारे हेलमेट को लेकर के नहीं बैठा है कि ये तो सीख दिया जा रहा है कि मान लिया एक पुलिस कर दिया, ये सीख दिया जा रहा है कि बाबू आप क्या है कि हेलमेट पहन के चलो। अब पुलिस का काम है सुरक्षा करना, हेलमेट बांटना नहीं है। पुलिस का काम इंश्योरेंस करना नहीं है। अब टीचर लगे सुई भोंकने के लिए तो बताइए टीचर कहलाएगा कि डॉक्टर कहलाएगा? सुई भोंकने का ये तो सबका एक नियम बना हुआ है। सूर्य का पूरब में उगना और दक्षिण नहीं उग जाएगा, चंद्र का रात में उगना दिन में नहीं उग जाएगा, तो सबका नियम है। नियम जो बना है हमारे पास समय कम है, ठीक है उदय जी, हमने सुन लिया। चलिए ठीक है, आपने अपनी प्रतिक्रिया जो भी रखी वो मैंने सुन लिया है। तो चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। तो आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। अगले डिबेट में हम एक और नए मुद्दे के साथ आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।